Hello, good morning everybody. Myself Vidya Sagar, working as a senior associate in quality assurance department. This is picture. This is a training person. We are all of training is there, and I also is like a good trainer here because I have a good trainer. Whenever I have been interacting with the training person, they should have a good interaction and communication between the training and trainer. This is the main my main objective and main aim is there, so that they can learn more and more from my training. Thank you. Hello, good evening friends. Topic is I have prepared students handout for a technical training, but I forgot to bring it with you the training hall. Whatever the topic is technical training, I have a good command on technical things. I am presenting. I have forgotten, but I will still have something. I will put everything in your area, and I will give your answers as well as your whatever the your queries will be there. I will give you and impart training regarding that. You will not feel that I have not handout for that. Whatever the you have queries, I will definitely I will answer your questions and answer regarding this. Please feel free so that you have some queries or regarding something. I will give some good answers on this topic. Don't think that I have not no handout for this. This definitely I will be there for good presentation for technical training. Good afternoon, everyone. मेरा टॉपिक है डिवीजन और इंसिडेंट मैनेजमेंट के ऊपर. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिवीजन और इंसिडेंट मैनेजमेंट का जब ख्याल आता है, सभी के जहन में ये आता है कि इंसिडेंट हो गया है, अभी QA के पास जाना पड़ेगा, उसे फॉर्म लेना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, उसमें फिर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो कि बहुत मतलब बहुत चीज़ों से प्रोसेस से निकलना पड़ता है. तो मेरा मतलब सबसे पहले ये है कि अगर कोई आपको इंसिडेंट या डिवीजन होता है, तो इंसिडेंट और डिवीजन जो होता है वो आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंसिडेंट होता क्या है, डिवीजन होता क्या है. अगर आप इन चीज़ों को अगर समझ सकेंगे, तो उसको आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को भी आप अच्छे तरीके से निभा सकते हैं. इंसिडेंट वो चीज़ है जैसे कि आपका ऐसा इवेंट जो आपका कोई क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता है और वो कभी भी हो सकता है, अनप्लान इवेंट उसको हम बोल सकते हैं. और डेविएशन हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि प्लान भी हो सकता है और आपका कोई आपका रिटर्न प्रोसीजर है, उससे आपका डिबेट हो गया, कोई चीज़ आपने उसको फॉलो नहीं किया, या स्पेसिफिकेशन है आपने उसको फॉलो नहीं किया, या आपका क्रिटिकल पैरामीटर है, टेम्परेचर प्रेशर, ये सब चीज़ों अगर ये फेल्योर होता है उस केस में ये डिवीजन होता है. तो डिवीजन और इंसिडेंट ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको उसको पहले समझना है और उसका एक रिटर्न प्रोसीजर होता है. जैसे कि आपका अगर मैं इंसिडेंट्स की बात करूँ, इंसिडेंट्स के कई एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ. सपोज एक क्लोज पेज प्लेस ऑफ मटेरियल हो जाता है, वो एक इंसिडेंट हुआ, वो सडनली आपका इवेंट हो गया, तो इसको हम एज ए इंसिडेंट कंसिडर करेंगे. और डिविएशन सपोज क्रिटिकल पैरामीटर है, आपका कोई बैच चल रहा है, उस केस में आपका टेम्परेचर फेल हो जाता है या प्रेशर फेल हो जाता है, तो वो केस जो होगा उसको हम डिविएशन कंसिडर करेंगे. तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम उसको डिविएशन और इंसिडेंट वगैरह के केस में हम लोग इसको कंसिडर करके आगे हमें क्यूए से फॉर्म लेना पड़ता है. एक फॉर्मेट होता है, जब हम क्यूए के पास आते हैं तो वो एक हमको फॉर्म देता है. उस फॉर्म में उसमें ये सब लिखा होता है कि व्हाट हु हैज़ व्हाट हैपेंड एंड हु हैज़ आइडेंटिफाइड द इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन इट वाज हैपेंड, और हु वाज इन्वॉल्व, व्हेन ही वाज इन्वॉल्व, वेदर इट इज दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. हमको उस चीज़ में क्लियरली सब कुछ बताना चाहिए. अगर आपको अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, आप अगर रूट कॉज तक नहीं जा पाएंगे तो उसका प्रोबेबल कॉज नहीं मिल पाएगा, तो आपका जो करेक्टिव एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो फिर रिपीटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो सपोज आपने कोई इंसिडेंट हुआ, आपका जो आपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह में आपने उसको अगर थॉरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो सिमिलरली वो दोबारा रिपीट हो सकता है. इसीलिए उस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट कीजिए,
आप अपना जो भी है आप कंसल्ट कीजिए, जो आपका जो इंटरोगेट कीजिए, आप जो प्रोडक्शन पर्सन है उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोसीजर होता है, उसमें आप लोगों को टीम लीडर है उसको इन्वॉल्व कीजिए, साइड मैटर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कीजिए, और एज ए क्यूए पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। उस केस में आपका एक प्रॉब्लम पहुँच आएगा, प्रॉब्लम रीजन आएगा, उस केस के ऊपर आप एक कापा ले सकते हैं जो कापा इफेक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ें तो मैं इंसिडेंट और डिविजन के बारे में बताना चाहता हूँ। इंसिडेंट अगर कुछ होता है तो उसमें फॉर्म वगैरह भरिए, उसके बाद से फिर आपका जो हो सकता है आपको इमीडिएट एक्शन भी आपका आप ले भी सकते हो। उस टाइम में क्या होता है कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपने ऐसे करेक्टिव एक्शन लेकर इमीडिएट एक्शन लेकर उसको करेक्टिव कर करेक्शन ले लिया, उसके बाद जो एचओडी है उसका इम्पैक्ट असेसमेंट और क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन में वो मेजर और माइनर डिफाइन करता है। मेजर और माइनर डिफाइन करने के बाद उसको क्यूए के लिए पास आता है, क्यूए का कमेंट्स आता है, उसमें क्यूए उसको इवैल्यूएट करता है। अपने एंगल से इवैल्यूएट करने के बाद उसका आपका फिर जो अपना एचओडी जो है आपका क्यूए का एचओडी है उसको अप्रूव करता है। अगर आप सपोज एचओडी जो आपका प्रोडक्शन प्लीज How specifically we can categorize the incident or deviation? Because one thing is incident for me, but maybe deviation for you. If your somebody says that your area should be clean and his place is there, it means it's a deviation. It's a deviation from your SOP. If it is going to affect his product quality, then it is deviation. That is going to impact. If it is no any impact on the quality of impact on the quality of the product, that is. Any guidelines talks about what is incident, what is deviation? Q7 says. So there they have categorized what are the things. So these all comes under incident, these all comes under deviation. No. You have to specify whether it is going to impact on product, then it is a deviation, or if you have no idea of product quality, then it is. Thank you very much.